हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का ये जो वीडियो हमने बनाया है, ये स्टेट बैंक का एक ऐप, छोटा सा ऐप है डिजी वाउचर। इसके ऊपर ये ऐप, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये ऐप क्या करता है। जब आप स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में जाते हैं अपना कैश डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए, ड्राफ्ट, NEFT, रेमिटेंस, ये सब के लिए जाते हैं, तो आपको एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी लोगों को दिक्कतें होती है, तो इसीलिए स्टेट बैंक ने एक ऐप डेवलप किया है। इस ऐप के थ्रू आप अपना कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, NEFT, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं। बस इस ऐप में बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैं प्ले स्टोर में गया, प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है डीजी वाउचर। इस ऐप का नाम है डीजी वाउचर, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अब बस इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डीजी वाउचर ये आ गया, डीजी वाउचर। इसको आप बस इंस्टॉल कर लीजिए, ये इंस्टॉल हो रहा है। इसका साइज भी ज़्यादा नहीं है, बस ये 4 MB का है साइज, बस कुछ ही सेकेंड में इंस्टॉल हो गया है। तो इंस्टॉल हो गया, मैं इसको अभी ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन कर लीजिए, ये ऐप ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपका अगर इस ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक, तो यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालिए। यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको एक OTP आएगा, ये रिक्वेस्ट OTP में क्लिक करना है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड किया हुआ है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, अभी यहाँ रिक्वेस्ट OTP में मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो ये ऐप दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए ऐसे मैसेज आ गया। तो मुझको क्या करना है, यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड में क्लिक करना है। तो अपना अकाउंट नंबर और पिन नंबर डालना है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो पहले आप इंस्टॉल करके OTP जनरेट कर लीजिएगा। OTP डालने के बाद ये वाला ऑप्शन स्क्रीन आ जाएगा। तो मैं यहाँ भी अपना अकाउंट नंबर और 6 डिजिट के जो मैंने पिन बनाया था वो डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं लॉगिन में क्लिक कर दिया, मैंने जो मेरा ये पिन जो था उससे खुल गया। तो इसमें एक ऑप्शन आएगा, मतलब इसमें बार बार आपको अकाउंट नंबर पिन दोनों टाइप नहीं करना है। बस इसको आप यहाँ पे चेक बॉक्स में यस क्लिक कर दीजिए, फिर यस कीजिए तो आपको बस अकाउंट नंबर टाइप नहीं करना है, बस सिर्फ 6 डिजिट का पिन टाइप कीजिए तो आपका ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलने के बाद इसका इंटरफेस ऐसा आता है, जैसे देखिए ज़्यादा कुछ इसमें मेन्यू है नहीं, बहुत सिंपल सा ऐप है। इसमें सेविंग्स डिपॉजिट का ऑप्शन है, लोन डिपॉजिट का ऑप्शन है, रेमिटेंस का ऑप्शन है, डिमांड ड्राफ्ट, विड्रॉल और नियर बाय ब्रांचेस। ये अपना GPS एक्टिवेट करवा के आप नियर बाय ब्रांचेस जो भी है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ सेविंग्स डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेविंग्स डिपॉजिट में क्लिक कीजिए। ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ गया है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझको अपना जितना भी मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है सारा दिखाएगा यहाँ पे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेशन, जैसे आपको 10,000 का कैश जमा करवाना है तो आपका यहाँ पे डिनोमिनेशन आ गया है। जैसे आपने अगर 2,000 का 5 नोट लेके बैंक में डिपॉजिट करवाना है तो यहाँ पे आप 5 टाइप कर सकते हैं, 5 टाइप कर दीजिए, ये 10,000 हो गया। और अगर आपके पास 500 के नोट हैं तो आप यहाँ 500 का 20 नोट टाइप की कर दीजिए, तो यहाँ पे 10,000 हो गया। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर चूज़ करना जिस अकाउंट में डिपॉजिट करना है कैश, ये कैश का ऑप्शन है। इसमें चेक वाला भी ऑप्शन है, मैं इसको बाद में दिखाने जा रहा हूँ, पहले चेक कैश वाला समझ लीजिए। ये हो गया 10,000, इसको यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाने लगा, फिर यहाँ पे यहाँ सबमिट वाउचर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा ये अकाउंट नंबर चूज़ नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे सबमिट वाउचर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट नंबर अपने एक चूज़ कर लेता हूँ।
जो मैंने ये ओडी अकाउंट है मैंने इसको चूज कर लिया। अब यहाँ पे सबमिट वाउचर में क्लिक करेंगे। तो सबमिट वाउचर में क्लिक करने के बाद देखिए क्या आएगा, ये आ गया कैश डिप, कैश का कंफर्मेशन ले रहा है, ये ट्रांजेक्शन डिटेल सब नाम आ गया। फिर इसको आप यहाँ कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका एक टोकन जनरेट होगा 6 डिजिट का, 6 डिजिट नहीं एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, जनरेट हो गया। बस इसके साथ ये अलर्ट मैसेज भी आ गया, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ कैरी करना है। आईडी प्रूफ के साथ ये रेफरेंस नंबर है, वो नंबर आपको कैश काउंटर में जाके देना है। नंबर आपका कैश काउंटर में जाके वो कैशियर इस टोकन नंबर के द्वारा ही आपका कैश वो डिपॉजिट कर लेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल में तुरंत ही अलर्ट आ जाएगा, आपका कैश डिपॉजिट होगा, ये टोकन सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया, ऐसा एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद मैं फिर होम स्क्रीन में जा रहा हूँ दूसरा ऑप्शन दिखाने के लिए। जैसे सेविंग्स में आप इसमें चेक भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, जैसे आपको किसी ने चेक दे दिया या आपको किसी आपने चेक इशू किया किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो आप यहाँ अपना अकाउंट नंबर चूज़ कीजिए। इसके बाद अमाउंट, आपका जो चेक है, चेक का नंबर, चेक डेट और जिस अकाउंट में भेजना है उसका अकाउंट नंबर चूज़ करना है। ये करने के बाद आपको सबमिट वाउचर करना है, फिर उसी तरह कंफर्मेशन मैसेज आएगा। उसके बाद आप उसको कंफर्म करेंगे तो आपके मोबाइल में एक 6 डिजिट 6 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का टोकन नंबर जनरेट होगा। बस चेक के पीछे वो टोकन नंबर लिख दीजिए और ड्रॉप बॉक्स या काउंटर में जाके आप सबमिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आपको ये लोन डिपॉजिट। लोन में भी सेम उसी तरह आपको करना है, इसका इंटरफेस कुछ अलग नहीं है, बस सेम माय अकाउंट में जाना है, आपका लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद डिनोमिनेशन जो चाहिए, जितना अमाउंट आपने जमा करवाना है उसको चूज़ करके आप यहाँ सबमिट कीजिए। सेम डिपॉजिट जैसा ही स्क्रीन आएगा कंफर्म कीजिए, टोकन नंबर जनरेट होगा उसको दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये है रेमिटेंस। रेमिटेंस वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी में हमको बहुत लंबा एक फॉर्म मिलता है NEFT RTGS का। रेमिटेंस में दो ऑप्शन है, NEFT RTGS, इसी दो चीज़ को हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। NEFT जो है, NEFT आपको 2 लाख से नीचे नहीं, 2 लाख से ऊपर अगर करना है तो RTGS। NEFT का चार्ज RTGS का चार्ज थोड़ा सा अलग होता है। आप देखिए NEFT में क्या करना है, NEFT में यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे आपने अपना चेक इशू करके NEFT करना है किसी अकाउंट में, तो एक अमाउंट डालिए, अकाउंट नंबर चूज़ कीजिए, बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में डालना है, दूसरे बैंक के जो अकाउंट नंबर है उसका नंबर लिखिए, बेनिफिशियरी नेम लिखिए, उसका IFS कोड जो जिस बैंक का अकाउंट है उसका IFS कोड यहाँ पे डालिए। उसके बाद अपना चेक नंबर डालिए, चेक डेट डालिए, सबमिट कीजिए, फिर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेम OTP जनरेट होगा, टोकन जनरेट होगा, टोकन को सबमिट कीजिए, आपका NEFT हो जाएगा। ठीक उसी तरह RTGS है, RTGS में भी वही बात, स्क्रीन NEFT जैसा ही सेम है, बस RTGS आपको 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो तो RTGS कर सकते हैं और RTGS में पैसा आपका तुरंत पहुंच जाता है। NEFT में बस कुछ ब्लॉक कुछ टाइम मतलब लगता है, उसमें बैच वाइज पोस्टिंग होता है, यहाँ से RBI में पैसा जाएगा, फिर RBI से बैच बाय बैच पोस्टिंग होता है, इसीलिए NEFT में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन RTGS आपका तुरंत हो जाता है। सेम मेनू है, सेम कुछ अलग नहीं है, बस सबमिट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में कंफर्म कीजिएगा, टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन को चेक के पीछे लिखिए, काउंटर में या ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ डिमांड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वाला भी फॉर्म बहुत क्रिटिकल होता है, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर चूज़ करना है, चेक नंबर चूज़ करना है, चेक डेट चूज़ करना है, इसके बाद कितना रुपए का ड्राफ्ट बनाएंगे वो चूज़ करना है, और नेम बेनिफिशियरी नेम चूज़ करने के बाद सबमिट कीजिए। कंफर्मेशन मैसेज के बाद ही आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। ये हो गया डिमांड ड्राफ्ट। इसके बाद विड्रॉल, विड्रॉल में एक आपका कंडीशन है, इसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग अगर एक्टिव है तो ही आप इस ऐप के थ्रू कैश विड्रॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे विड्रॉल में क्लिक करना है। विड्रॉल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, वाउचर या चेक। अगर आपका अकाउंट चेक फैसिलिटी का है तो चेक से विड्रॉ करेंगे, और अगर आपके पास चेक नहीं है तो वाउचर।
आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर चूज़ करेंगे। नंबर चूज़ करने के बाद कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो चूज़ कीजिए। जैसे मैंने 1000 का विड्रॉ करना है, तो आप इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद इसे कंफर्मेशन मैसेज आ गया। इसको कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, ये यूज़र नेम पासवर्ड है आपका इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम पासवर्ड, इसको डालने के बाद सबमिट करेंगे तो टोकन जनरेट होगा। उस टोकन को वहाँ पे जाके दिखाइए कि वैलिड आईडी प्रूफ के साथ, तो आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा। बस यही, इसमें पांच फैसिलिटीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपका एक नियर बाय ब्रांच चूज़ करने का ऑप्शन है। अपना जीपीएस ऑन करके इसमें क्लिक करेंगे तो आपका, आप जहाँ पर हैं उससे नज़दीकी जो भी ब्रांच है आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। बस इस टोकन को आप किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप अपने होम ब्रांच में ही जाएँ। यहाँ पे आपका इस स्क्रीन में आपने रिसेंटली जो टोकन जनरेट किया उस टोकन का यहाँ पे नंबर दिखाएगा। इस टोकन का वैलिडिटी 24 आवर होता है, 24 घंटे में आप कभी भी इस टोकन को आप बैंक में जाके जमा कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे एक हेल्प का ऑप्शन भी है, असिस्टेंट का ऑप्शन, इसमें क्लिक करके आपको जैसे डिजी वाउचर से रिलेटेड कोई भी है हेल्प लेना है तो यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कीजिए, तो यहाँ से आपका असिस्टेंट आपको असिस्ट करते रहेगा। वैसे ही छोटा सा ऐप है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। बैंक में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, वाउचर फिलअप करने का झंझट भी नहीं रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।